ईशु कै उंडा पकड़ोआ। ऐ साल यहूदी लोग फसे को त्यार मनाओ थिए। ए जो इतके बारे मुझ एक जश्न थिया कि कई साल आगे परमेश्वर तिनके पुराने खे मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाए राय थिए। लमसम 3 सालों के बाद ईशुए सभी लोगों मुझे प्रचार करा और शिक्षा देने शुरू करे। ईशुए अपने चेले के बताऊ किसे 3 वारी यरूशलेम शहर दा फसे का त्यार मनाना चाहूं और ए जो बेकी तैसी तिथे मारे देंदे। ईशु के चेले मुंजी दा एक यूदा नाव का आदमी थिया और यूदा चुने उन्दे चेले के पैसे के थोली रखने वाला खजांची थिया, पर ज्यादातर से त्यो थोली पड़े से पैसे उन्दे गाड़िया करो थिया। ईशु और तेसके चेले यरूशलेम शहर दे पहुंचने के बाद यूदा यहूदी नेता के दौरे होटा। तेने पैसे के बदले ईशु के तिनके हाथों दे थमानों के बात रखे। से जानो थिया कि यहूदी नेता ईशु के मसीहा ना मानो। से जानो थिया किसी तैसे के मारे देना चाहूं। महायुदी पुरोहित के ब्रूनो पांडी यहूदी नेताए ईशु के तिनके हाथों दे थम्बाणो करिए यूदा के 30 चांदी के सिक्के दिए। ए जो तैसे कही हो जैसे के परमेश्वर की बातों बताने वाले बोले राय थ्यू कि ऐसे कही हों दो है। यूदा माने गुआ थिया और पैसे नियो अगोटा। से ईशु के थम्बाणो और तिनकी मदद करनो करिए क्यों मौके की तलाश दा थिया। यरूशलेम दा ईशुए अपने चेले के साथ फसे का त्यार मनावा। फसे के खानों के समय ईश्वर रोटी तोड़े तेने बोलो यो अगू करो और खाए पाओ। ऐजा मेरा शरीर असो जो हाँ तू करिए दियूं है और मेरे याद तो ऐसे कई करया। ऐसे कई ईश्वर बोलो कि हाँ तू करिए मर जांदा और तू करिए हाँ अपने शरीरों के बोले चढ़ाए देंदा। तब ईश्वर अंगूरों के रस का एक छाना कोरा और बोलो इतू पे पाओ ऐजा नोई कोरा रोका मेरा लू असो जो कि हाँ तू के देंदा ताकि परमेश्वर तुम्हारे पापों के माफ करो। ए भी इतु पींदी भी मेरी याद दो ऐसे कई करिया करो जो मुआ इबी करी लो। तब ईश्वर अपने चेले के बोलो तू मुझी दा एक जोड़ा मुखे थोबांदा। चेले हैरान होए गए और पूछ दे लागे कि कौन ऐसा काम करदा। ईश्वर बोलो मुखे थोबाने वाला आदमी से जासो जैसे कि हाँ ऐजा रोटी का टुकड़ा दियूं तबे तेने सहज रोटी यूदा के दे। त्यों रोटी खाने के बाद यूदा दा शैतान समाए गुआ। यूदा अगू जाए बा ईशु के थम्बाणो करिए यहूदी नेताओं के मदद करनो करिए होटी गुआ। ऐजा राते का समय थिया। खानो खानो के बाद ईशु और तेस के चेले जैतूनदारो पांदी होटे और ईशु बोलो तुए सब जूने एलोई राती मुखे छोड़ देंदे। ए जो लिख रहा है कि हाँ चोरिया के मारदा और सोबे बैडो आपी आपी के बिखरे जांदी। पत्र से जवाब दिया बोले ही बाकी सोबे तक है छोड़ देऊं पर हाँ ना छोड़दा। तब ईशु पत्रस के बोलो शैतान तू सोबी के लोए जाने चाहूं पर ओरे पत्रस मुहताओं करी प्रार्थना करे राय कि तू विश्वास दा कमजोर न हो जाए। तबे बे एलो के राती है कुकड़े के बांग देनो दे आगे तू 3 बई मुखे बाज जांदा कि हाँ ताखे ना जानू। पत्रस से तबे ईशु के बोलो बोले ही हाँ मोरे बे जाऊं हाँ कोलोई बे ताखे बाज दाना बाकी के सोबी चेले बे ऐसे कई बोलो। तबे ईशु अपने चेले के साथ गच्छमनी नाव के एक ठाव पांधी होटा। ईशु अपने चेले के प्रार्थना करनो करिए बोलो ताकि शैतान तीनू के परखो ने। तबे ईशु प्रार्थना करनो करिए जोई ओटा। ईशु 3 बई प्रार्थना करे ओरे मेरे पिता जे हो सो को तो ताखे मेरे डाल सो ऐजा दुख का छाना मुखे पीणो करिए ना दे पर जे लोगों के पाप माफ करनो करिए कुंजियों की बात ना थी पर तबे बे तेरे मर्जी पूरे हो। ईशु बेजाय बेचैन थिया और तेसका परसीना लुई के जशना थिया। तैसे के शक्ति देनो करिए परमेश्वर एक स्वर दूत छाड़ा। हर भी प्रार्थना करने के बाद ईशु अपने चेले के दौरे पाछू ओवा पर उसे सोते गुए थिए। जब ईशु तिजलियो पाछू ओवा तो ईशु बोलो उबे बीजो मेरा थम्बाणो वाला इथियसो। यहूदी नेता सेरिको और एक बड़ी भीड़ लाए बा यहूदा ओवा। तीनों आगे तलवारे और डेंगे थिए। यहूदा ईशु के दौरे आए बा तैसे कही बोलो ओरे गुरु जी नमस्कार और तैसे के होंगटे लौआ। तेने ईशु के थम्बाणो के यहूदी नेताओं पांदी प्रकट करनो करिए ऐसे के कोरे राय थियो। तब ईशु बोलो ओरे यहूदा का तुए एक बई होंगटे लाए बा मुख्य थम्बाए लुआ। जब तीनों सैनिक के ईशु के थाम्बे लुआ थिया तबे पत्र से अपने तलवार गाड़े और महायुदी पुरोहितों के एक नौकरों का कान काटे दिया। ईशु बोलो तो
तलवार दूर की राख हम अपने बापू के दे अपी के बचानो करी स्वर्गदूत के एक से न मंगवाना के बेनती करे सकू, पर मेरे अपने बापू की बात मानने तबे ईश्वर तैसे आदमी का कान ठीक कर दिया, तबे सबे चेले दौड़े गुए। मत्ती अध्याय 26, मरकुस अध्याय 14, लुका अध्याय 22, यूहन्ना अध्याय 12 और अध्याय 18 पर से बाइबल की एक कहानी।